सोना जी बात करें, विक्की जी ने एक नया पहल किया है जो कि आज तक किसी ने सोचा ही नहीं था कि एल्बम के गीतों से जुड़े लोगों का अवार्ड देकर सम्मान करना, और इन्होंने गोरखपुर की धरती में मुंबई से बुला करके सब लोगों का सम्मान किया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सारे दर्शकों को नमस्कार करना चाहती हूँ, और बहुत खुशी की बात है क्योंकि हमेशा अवार्ड मिलता था फिल्म इंडस्ट्री को, और इस बार पहली बार जो कि विक्की जी इतना अच्छा सोचे हैं हम लोगों के लिए, सिंगर के लिए, जितनी भी एक्ट्रेस सिंगर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, सबको इस बार अवार्ड दिए हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। पहली बार किए हैं और इनसे ही हो सकता था क्योंकि कोई कर नहीं सकता था, और मुझे भी इस काबिल समझे जो मुझे बुलाया, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत एक्साइटेड थी, लगातार मैं पूछती थी कि क्या करना है, कैसे करना है, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और बहुत अच्छा लगा मुझे आके यहाँ पे, और सर के साथ तो मैं जुड़ी हूँ, बहुत अच्छा लगता है, सपोर्ट भी बहुत करते हैं हमारे। आप क्या कहना चाहेंगे? मार्च म्यूजिक महोत्सव आज तो था, लेकिन ये कार्यक्रम कम से कम 3 से 4 दिन का होना चाहिए। जितना बड़ा कार्यक्रम था, जितने सारे आर्टिस्ट थे, जितने सारे अवार्ड थे, लेकिन मुझे टाइम कम मिला। और दूसरा ये था कि हम बहुत सारे यहाँ के जो मेरे साथ क्रू मेंबर वो पूरा प्रोफेशनल नहीं थे, मतलब मुंबई में जो होता है तो वहाँ के यही काम ही करते हैं, यहाँ पे मेरे दोस्त थे, कोई दूसरा कोई बिजनेस करता है, कोई पढ़ाई करता है, तो उन लोग को इसके बारे में आइडिया नहीं था, बट उनको मैंने ट्रेनिंग दिया था कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, तो किए, बहुत अच्छा किए, और बहुत सारे लोगों का परफॉर्मेंस नहीं हो पाया, बहुत सारे लोग को अभी अवार्ड नहीं दिया गया, लेकिन सारे लोग को अवार्ड डिजिटल के थ्रू दिया जाएगा क्योंकि हम लोग डिजिटल का काम करते हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ही थ्रू उनको दिया जाएगा अवार्ड, अब बहुत कम ही लोग का बचा होगा, तो ये तो सक्सेस रहा, सारे लोग खुश थे और सारे लोगों ने मुझे कॉर्पोरेट किया। जो आर्टिस्ट अकेले सिंगल रूम में रहता है वो लोग दो दो तीन तीन लोग रहें तो इससे बड़ी बात क्या है, और सारे लोग आए तो, और इतने ठंड में अभी तक भीड़ था, भीड़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लिया, शो ख़त्म होने के बाद ही भीड़ ख़त्म हुआ, तो हम सबको धन्यवाद कहना चाहते हैं, गोरखपुर के लोगों को भी, और जो मेरे लिए यहाँ आए, चाहे वो किसी भी प्रदेश से या किसी भी जगह से रहे हों, पटना से आए, बिहार से आए, बनारस से आए, मुंबई से आए, तो लखनऊ से भी आए, सारे लोग को दिल से धन्यवाद, और ऐसे ही चाहेंगे भविष्य में भी सब लोग हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, और हम भी भोजपुरी भाषा के लिए ऐसे ही हम काम करते रहेंगे। जिस तरह से आज सफल आयोजन हुआ, इस आयोजन में कितना आप नर्वस थे, कितना एक्साइटेड थे, कितना दिल में धड़क था कि क्या होगा क्या नहीं होगा? एक्साइटेड तो था ही, लेकिन नर्वस तो मैं होता नहीं हूँ, बट जब शाम हुआ 4-5 बजने लगा तो जो प्रेशर आने लगा कि कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है लोग मेरे से पूछ रहे हैं, अगर रूम भी किसी को देना है तो उनको कौन सा रूम देना है, यहाँ कुछ भी घटा तो सारे लोग मेरे पास ही आ रहे हैं, तो वो जो प्रेशर था मेरे ऊपर 10-11 बजे तक बहुत ज़्यादा था, उसके बाद धीरे 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 कम हुआ, और लगातार 2-3 दिन से जगना था क्योंकि सेट 1 तारीख से ही बन रहा था, और सारे लोग को कोऑर्डिनेट करना, सारे लोगों को फ़ोन करना, उसमें बहुत सारे लोग छूट भी गए जिनको मैं फ़ोन नहीं कर पाया, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू मैंने सबको इनवाइट कर दिया था कि जो भी मार्स एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए लोग हैं वो सारे लोग सादर आमंत्रित हैं, और बहुत सारे लोगों को मैं फ़ोन नहीं कर पाया और मैसेज नहीं कर पाया, कुछ स्टाफ थे मेरे साथ जो काम करने वाले हैं वो लोग कॉल किए थे, अगर उनको मेरा कॉल नहीं गया होगा तो उनको मैं माफ़ी चाहूँगा, और दो तीन दिन मार्स एंटरटेनमेंट का ऑफिस बंद था तो उसमें जिनका भी काम नुकसान हुआ होगा उसके लिए भी सबसे सॉरी, और 2 दिन बाद और जो भी नुकसान हुआ रहेगा उसका भरपाई हो जाएगा 2 से 3 दिन में अगले। अपनी पूरी टीम को और जिनका सपोर्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मिला सबको इस तरह से धन्यवाद या शुक्रिया अदा करना चाहिए? मैं सबको ऐसे ही बोल के शुक्रिया अदा धन्यवाद दे सकता हूँ क्योंकि अभी कहाँ कहाँ लोग हैं, मैं पर्सनली सबको कॉल करूँगा, सबसे मिलूँगा, और सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि सारे लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन बिना सपोर्ट का कभी संभव ही नहीं था, अभी इतने सारे स्टार थे, एक स्टार आते तो भगदड़ मच जाता है, लेकिन इतने सारे स्टार आए लेकिन सारे लोग बहुत ही आराम से देखें, और जितने भी मेरे साथ काम करने वाले हैं अपना काम बहुत ईमानदारी से निभाए। सोना जी चलते 2 लाइन आपको ढेर सारे गाने हिट होते हैं, हम लोग अभी
चैनल से बहुत सारे मैंने ऐसे गाना गाया है और मेरे चैनल भी सर ही दिखते हैं। सेटिंग हो खेला गल घरे शादी खाते और कुछ हो लाइब दिमाग ऐसन साते देहब गिफ्ट नया साल के मैरिज में यार वो हो ले ले चलब संग ही दहेज में यार वो हो ले ले चलब संग ही दहेज में। ये मैं न्यू ईयर पे गाई थी, बहुत प्यारा आशीर्वाद। तो होली आ गया है, तो होली का भी तो गाना आया होगा आपका। हाँ आया तो है। तो अच्छा मैं पवन जी के साथ गाई थी, वो सुना दूँ। कुछ कहनी ना तहरा से डरे डरे हम चले आईनी ससुरा में पियावा घरे घूमे अब कैसे आएब तोहार गली हो कम होलिया में कैसे हम चली हो कम होलिया में कैसे। थैंक यू। ठीक है, आप बंद कीजिए, अब ठंडा लग रहा है।